जिसमें हमने डंबलडोर को एक ऐसे जादूगर के रूप में देखा है जो काफी ज्यादा काइंड हार्टेड और सबसे शक्तिशाली जादूगर थे, जिनसे वोल्डेमॉर्ट भी डरता था। पर मूवीज में हमें डंबलडोर की पूरी कहानी दिखाई ही नहीं गई है, इसलिए आज हम डंबलडोर की पूरी लाइफ स्टोरी जानेंगे कि आखिर वो बचपन में कैसे थे, कैसे वो सबसे शक्तिशाली जादूगर बने और कैसे उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी सदी के सबसे ताकतवर जादूगर ग्रिंडलवॉल्ड को हराया। इस वीडियो में हम डंबलडोर की पूरी कहानी जानेंगे, उनके जन्म से लेकर उनके मौत तक, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एल्बस पर्सिवल वुल्फ्रिक ब्रायन डंबलडोर का जन्म 1881 की गर्मियों में हुआ था। एल्बस के पिता पर्सिवल एक प्योर ब्लड जादूगर थे और वहीं पर एल्बस की माँ एक मगल बॉर्न जादूगरनी थी, इसलिए एल्बस एक हाफ ब्लड विजर्ड थे। एल्बस से 2 साल छोटा एक भाई था एबरफोर्ड डंबलडोर और 4 साल छोटी एक बहन थी एरियाना डंबलडोर। ये परिवार एक विजिटिंग विलेज मोल्ड ऑन द वोल्ड में रहा करता था। जब एल्बस 10 साल के थे तब इनके परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे इनकी जिंदगी बदल गई। उस वक्त एरियाना सिर्फ 6 साल की थी। जब एरियाना बाहर खेल रही थी तब उसे जादू करते हुए 3 मगलू लड़कों ने देख लिया। वो उसे जादू करते देख इतना डर गए कि उन लड़कों ने एरियाना को टॉर्चर किया। इस घटना के बाद एरियाना इमोशनली इम्बैलेंस हो गई और अब वो अपने जादू को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, जिस कारण वो अपने जादू को अंदर ही दबाने लगी और धीरे धीरे वो एक ऑब्स्क्यूरियल बन गई। जब पर्सिवल ने अपनी बेटी एरियाना को इस हालत में देखा तब वो टूट से गए और गुस्से में आकर उन्होंने 3 मगलू लड़कों को ठीक वैसे ही टॉर्चर किया जैसे कि उन्होंने एरियाना को किया था। और मगलू बच्चों पर हमला करने के जुर्म में पर्सिवल को अस्काबान जेल में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि पर्सिवल ने खुद को डिफेंड नहीं किया और ये नहीं बताया कि उन्होंने उन लड़कों पर हमला क्यों किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो हमले की वजह बताएंगे तो एरियाना को हमेशा के लिए सेंट मंगोस हॉस्पिटल में कैद कर दिया जाएगा, क्योंकि एरियाना एक ऑब्स्क्यूरियल बन चुकी थी। पर्सिवल ने जो किया था वो बात अब हर जगह फैल गई थी और लोग डंबलडोर परिवार के बारे में बातें बनाने लगे थे। इसलिए एल्बस की माँ केंड्रा अपने बच्चों के साथ गॉडरिक हॉलो यानी कि गरुड़ द्वार गांव शिफ्ट हुई। केंड्रा एरियाना की देखभाल किया करती थी और उसे हमेशा घर के अंदर ही रखती थी ताकि किसी को भी एरियाना के बारे में पता ना चले। 11 साल का होने पर एल्बस 1892 में हॉगवर्ट्स आए और गरुड़ द्वार में चुन लिए गए। स्कूल में सभी लोग पर्सिवल के क्राइम के बारे में जानते थे, इसलिए कई स्टूडेंट्स मानते थे कि एल्बस बिल्कुल अपने पिता की तरह है। हालांकि कई स्टूडेंट्स जो मगलों से नफरत करते थे उनका मानना था कि एल्बस के पिता ने उन लड़कों पर हमला करके बिल्कुल ठीक किया। कहीं ना कहीं एल्बस खुद भी मगलों से नफरत करते थे क्योंकि उन लड़कों की वजह से ही एरियाना को इतना सहना पड़ा और उसके पिता आज अस्काबान जेल में थे। पर अपने पहले साल में ही एल्बस ने अपनी योग्यता से सारे टीचर्स का दिल जीत लिया। पहले ही साल में उनकी दोस्ती एल्फियस डोज से हुई जो उस वक्त ड्रैगन पॉक्स का शिकार थे, जिसकी वजह से कोई भी स्टूडेंट उनसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। पर एल्बस ने काइंडनेस दिखाई और उन्होंने इंसान की बाहरी खूबसूरती को नहीं बल्कि अंदर की सुंदरता को अहमियत दी और उन्होंने एल्फियस से दोस्ती की। एल्बस उस वक्त हॉगवर्ट्स के इकलौते स्टूडेंट थे जो काफी होनहार और टैलेंटेड थे। अपने 4th साल में उन्होंने एक्सीडेंटली अपने डॉर्मेट्री के पर्दों में आग लगा दिया, हालांकि उन्हें वो पर्दे कभी पसंद नहीं थे। अपने 5वें साल में वो स्कूल के प्रीफेक्ट बने और 7वें साल में हेड बॉय। वो जादूगरी में इतने अच्छे थे कि स्कूल में रहते ही उन्होंने कई अवार्ड्स हासिल किए, जैसे कि बार्नबस फिंकली प्राइज फॉर एक्सेप्शनल स्पेल कास्टिंग। इसके अलावा वो विजिंगमॉट के ब्रिटिश यूथ रिप्रेजेंटेटिव भी बने और उन्हें गोल्ड मेडल मिला फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल एल्केमिकल कॉन्फ्रेंस इन कायरो। और टीचर्स ये भी मानते थे कि वो हॉगवर्ट्स के अब तक के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। हॉगवर्ट्स में रहते ही एल्बस ने कुछ दोस्त भी बना लिए थे, जैसे कि निकोलस फ्लमेल, पथिल्डा बैकशॉट और ग्रिसेल्डा मार्चबैंक्स, जिन्होंने एल्बस का न्यूट का एग्जाम लिया था। और ग्रिसेल्डा का कहना था कि एल्बस जादुई छड़ी से ऐसी चीजें कर पाते थे जो उन्होंने कभी किसी को पहले करते हुए नहीं देखा था। साल 1899 में स्कूल खत्म करने के बाद एल्बस अपने दोस्त एल्फियस के साथ वर्ल्ड टूर पर जाने वाले थे, पर शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था क्योंकि उनके जाने से पहले ही एक हादसा हुआ जहां एरियाना अपने जादुई शक्तियां कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से एक धमाका हुआ और एल्बस की माँ केंड्रा इस धमाके में मारी गई। इस घटना के बाद एल्बस काफी टूट गए क्योंकि अब परिवार में सबसे बड़े वही थे और उन्हें ही एबरफोर्थ और एरियाना का ख्याल रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनका वर्ल्ड टूर का प्लान कैंसिल हो गया। एबरफोर्थ घर पर ही रुककर एरियाना का ख्याल रखना चाहते थे, पर एल्बस उससे कहते हैं कि पहले वो स्कूल खत्म कर ले, फिर वो एरियाना का ख्याल रख सकता है। एल्बस को लगने लगा कि अब उनका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा,
पर तभी उनके गांव में एक फॉरेनर लड़का रहने आया जिसका नाम था गेलर्ट ग्रिंडलवॉल्ड। गेलर्ट ग्रिंडलवॉल्ड डर्मस्ट्रैंग स्कूल में पढ़ता था पर डार्क आर्ट्स यूज करने की वजह से उसे उस स्कूल से निकाल दिया गया था, जिसके बाद वो अपनी आंटी बथिल्डा के यहाँ रहने आया जो डंबलडोर परिवार के पास में ही रहा करती थी। बथिल्डा ने एल्बस और ग्रिंडलवॉल्ड को मिलाया और उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई क्योंकि वो दोनों ही एक ही उम्र के थे और दोनों ही बहुत टैलेंटेड भी थे। वो दोनों हमेशा साथ रहते और अपने आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। इसी दौरान ग्रिंडलवॉल्ड ने एल्बस को बताया कि वो मौत के तोहफों को खोजना चाहता है और वो मानता है कि जादूगरों को मगलुओं से छिपकर रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मगलुओं पर राज करने के लिए बने हैं। 2 महीनों में ही एल्बस और ग्रिंडलवॉल्ड की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो ग्रिंडलवॉल्ड को चाहने लगे और इसलिए उन्हें लगा कि ग्रिंडलवॉल्ड जो कुछ भी करना चाहता है वो ग्रेटर गुड के लिए है। एल्बस ग्रिंडलवॉल्ड का साथ देना चाहता था ताकि आगे चलकर वो जादूगरों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सके और एल्बस का मानना था कि अगर इसमें कुछ जाने जाती भी है तो दुनिया बेहतर होने के बाद वो सैक्रिफाइस रीपे हो जाएगा। एक रात एल्बस और ग्रिंडलवॉल्ड एक ब्लड पैक्ट बनाते हैं जो एक दूसरे से ये प्रॉमिस था कि वो एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे। ये ब्लड पैक्ट एक ऐसा लव बॉन्ड था जिसे तभी तोड़ा जा सकता था जब एल्बस और ग्रिंडलवॉल्ड दोनों के मंत्र टकराएंगे पर वो एक दूसरे को अटैक करने के इरादे से नहीं होने चाहिए। एल्बस और ग्रिंडलवॉल्ड के रिलेशन के टाइम के दौरान ही एबरफोर्थ को भी किसी लड़की से प्यार हो गया था। वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई जिसके बाद उस लड़की के परिवार ने उस लड़की को दूर भेज दिया जिसकी वजह से एबरफोर्थ अपने बच्चे से नहीं मिल पाए। एल्बस ने ये सारी अफवाहें सुनी थी पर इन दोनों भाइयों के बीच इतनी दूरियां थी इसलिए एबरफोर्थ ने कभी भी एल्बस को इस बारे में नहीं बताया। हालांकि एबरफोर्थ ग्रिंडलवॉल्ड के इरादों के बारे में जानते थे। उन्हें ये पता था कि ग्रिंडलवॉल्ड एल्बस को मैनिपुलेट कर रहा है, इसलिए जब एल्बस और ग्रिंडलवॉल्ड अपने ग्रेटर गुड के प्लान को अंजाम देने के लिए निकलने ही वाले थे तब एबरफोर्थ एल्बस को रोकता है। वो एल्बस को कहता है कि वो उसे और एरियाना को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। ये सुनकर ग्रिंडलवॉल्ड गुस्से में आ जाता है और एबरफोर्थ और ग्रिंडलवॉल्ड आपस में झगड़ने लग जाते हैं और फिर ग्रिंडलवॉल्ड एबरफोर्थ पर क्रूशियाटस कर्स का इस्तेमाल करता है। ये देखकर एल्बस को ग्रिंडलवॉल्ड का असली चेहरा दिखाई देता है कि वो अपने इरादों को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एल्बस भी एबरफोर्थ को बचाने के लिए एबरफोर्थ और ग्रिंडलवॉल्ड की लड़ाई में कूद पड़ते हैं। इनकी आवाजें सुनकर एरियाना वहां आती है और वो उन तीनों को रोकने की कोशिश करती है मगर तभी तीनों में से किसी एक का मंत्र एरियाना को लग जाता है जिसकी वजह से एरियाना मारी जाती है। एरियाना को उस हालत में देखकर एल्बस और एबरफोर्थ रोने लग जाते हैं और ग्रिंडलवॉल्ड वहां से भाग जाता है। इस घटना के बाद एल्बस जिंदगी भर इस गिल्ट में रहते हैं कि कहीं जिस मंत्र ने एरियाना की जान ली वो मंत्र उनका तो नहीं था। एरियाना की मौत के बाद एल्बस एल्केमी की स्टडी के लिए पेरिस चले जाते हैं निकोलस फ्लामेल के पास ताकि वो एबरफोर्थ को थोड़ा स्पेस दे सके क्योंकि एबरफोर्थ एरियाना की मौत के बाद उनसे नफरत करने लगा था। उसके बाद कुछ सालों बाद वो ब्रिटेन लौटे और तब उन्होंने ड्रैगन ब्लड के 12 यूसेस खोज लिए जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस हुए। हालांकि आइवर डिलॉन्स भी ने यह दावा किया कि उन्होंने पहले ही 8 यूसेस खोज लिया था जब डंबलडोर ने उनके नोट्स उधार लिए थे। इस खोज के बाद एल्बस डंबलडोर को हॉगवर्ट्स में पढ़ाने का ऑफर आया। अब क्योंकि उन्हें पढ़ाना पसंद था इसलिए वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। वो जानते थे कि ग्रिंडलवॉल्ड आगे चलकर ग्रेटर गुड के प्लान को अंजाम देगा और ग्लोबल विजिटिंग वॉर शुरू करेगा, इसलिए वो हॉगवर्ट्स में गुप्त कलाओं से रक्षा का विषय पढ़ाते हैं ताकि वो आने वाले खतरे की तैयारी कर सके। हॉगवर्ट्स में पढ़ाने के साथ साथ एल्बस निकोलस फ्लामेल के साथ भी टच में रहते हैं और एल्केमी की फील्ड में कई सारे खोज करते हैं। साल 1910 में डंबलडोर ने हफलपफ स्टूडेंट न्यूट्स कमांडर और स्लिदरीन स्टूडेंट लीटा लेस्ट्रेंज को भी गुप्त कलाओं से रक्षा का विषय पढ़ाया। न्यूट और लीटा उस वक्त दोस्त थे और वो ज्यादातर टाइम साथ में ही स्पेंड करते थे। साल 1913 में लीटा एक मैजिकल बीज जार्वी के साथ एक एक्सपेरिमेंट करती है जिसकी वजह से किसी स्टूडेंट की जान खतरे में आ गई पर न्यूट सारा इल्जाम अपने सर ले लेता है जिसकी वजह से न्यूट को स्कूल से निकाल दिया जाता है पर डंबलडोर न्यूट की मदद करते हैं ताकि न्यूट को एटलीस्ट अपनी छड़ी रखने की इजाजत मिल जाए। हॉगवर्ट्स में रहते ही डंबलडोर ने दुनिया भर में कई दोस्त बना लिए जैसे कि निकोलस फ्लामेल और एल्वर मोर्नी स्कूल की चार्म्स प्रोफेसर यूलाली हिक्स। साल 1926 में ग्लोबल विजिटिंग वॉर शुरू हुआ और ग्रिंडलवॉल्ड यूरोप और कई जगहों पर हमले करवाने लगा और इसी बीच ग्रिंडलवॉल्ड ने छड़ी बनाने वाले ग्रेगोरो विच से उस एल्डर छड़ी को भी चुरा लिया जो मौत के तोहफों में से एक थी।
डंबलडोर को अपने कॉन्टैक्ट से ये पता चल गया कि ग्रिंडलवॉल्ड को वो एल्डर छड़ी मिल गई है, और इससे ये भी पता चला कि ग्रिंडलवॉल्ड एक ऑब्स्क्यूरस का इस्तेमाल करके न्यूयॉर्क में हमले करवा रहा है। डंबलडोर जानते थे कि ऑब्स्क्यूरस का पता चल जाएगा तो ग्रिंडलवॉल्ड भी मिल जाएगा, इसलिए उस ऑब्स्क्यूरस को ढूंढने के लिए डंबलडोर न्यूट को न्यूयॉर्क भेजते हैं, जो कि एक मैजिक जूलॉजिस्ट था। न्यूट दुनिया भर में ट्रैवल करके मैजिकल बीस्ट को खोजता था और उन्हें रेस्क्यू करता था। न्यूयॉर्क आने के बाद न्यूट को ये पता चला कि वो ऑब्स्क्यूरस एक अनाथ लड़का क्रीडेंस बैरबोन है, और ग्रिंडलवॉल्ड मकूसा का हाई रैंकिंग ऑफिशियल पर्सिवल ग्रेव्स बनकर क्रीडेंस को मैनिपुलेट कर रहा है। फाइनली न्यूट की वजह से ग्रिंडलवॉल्ड न्यूयॉर्क में पकड़ा जाता है, पर जल्दी ही साल 1927 में ग्रिंडलवॉल्ड वहां से भाग जाता है। डंबलडोर जानते थे कि ब्लड पैक्ट की वजह से वो ग्रिंडलवॉल्ड से नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए वो न्यूट्स कमांडर की मदद लेते हैं। वो न्यूट को पेरिस भेजते हैं, जहां पर क्रीडेंस अपनी पहचान का पता लगा रहा था। ब्रिटिश मंत्रालय को जब ये बात पता चलती है कि डंबलडोर ने न्यूट को फ्रांस भेजा है, तब ऑरस का ग्रुप डंबलडोर से मिलने के लिए हॉगवर्ट्स आता है, जिसमें न्यूट का भाई थीसस भी था। टॉर्किल ट्रैवर्स डंबलडोर को ग्रिंडलवॉल्ड से लड़ने के लिए कहते हैं, पर डंबलडोर उसे साफ मना कर देते हैं, इसलिए गुस्से में आकर ट्रैवर्स उन्हें हॉगवर्ट्स में जादू सिखाने से बैन कर देता है। इधर फ्रांस में ग्रिंडलवॉल्ड रैली करता है और उसके सपोर्टर्स उसे ज्वाइन करते हैं, जहां पर क्रीडेंस भी उसे ज्वाइन करता है, क्योंकि ग्रिंडलवॉल्ड उससे कहता है कि वो उसकी पहचान जानता है। उस रैली में लीटा न्यूट थीसियस और बाकी सबको बचाने के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस कर देती है, और इसके बाद न्यूट और उसका ग्रुप हॉगवर्ट्स आता है, जहां पर डंबलडोर उनका इंतजार कर रहे थे। न्यूट डंबलडोर को वो ब्लड पैक देता है जो उसके निफलर ने रैली के दौरान ग्रिंडलवॉल्ड के पास से चुराया था। दूसरी तरफ ग्रिंडलवॉल्ड क्रीडेंस को बताता है कि वो एक डंबलडोर है और उसका नाम है ऑरेलियस डंबलडोर। 1927 से 1932 के बीच डंबलडोर ग्रिंडलवॉल्ड से मिलते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, पर ग्रिंडलवॉल्ड डंबलडोर को बताता है कि वो मगलुओं से कितनी नफरत करता है और वो इनकी दुनिया को बर्बाद कर देगा, या तो उसकी मदद से या फिर उसकी मदद के बिना। डंबलडोर समझ चुके थे कि अब ग्रिंडलवॉल्ड नहीं रुकेगा, इसलिए वो उसे रोकने के लिए जादूगरों की फौज बनाते हैं, जिसमें न्यूट्स कमांडर और उसका भाई थीसस भी शामिल था, और साथ ही वो उस ब्लड पैक को डिस्ट्रॉय करने का तरीका भी खोजते हैं। दूसरी तरफ ग्रिंडलवॉल्ड के सपोर्टर्स उसके कहने पर एक मैजिकल क्रिएचर किलिन को मार देते हैं और उसके बच्चे को चुरा कर ग्रिंडलवॉल्ड को सौंप देते हैं। ग्रिंडलवॉल्ड उस किलिन के बच्चे को मार डालता है ताकि उसे उस किलिन के भविष्य देखने की शक्ति मिल जाए, लेकिन ग्रिंडलवॉल्ड को ये नहीं पता था कि उस किलिन ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और दूसरे बच्चे को न्यूट ने बचा लिया था। न्यूट की टीम बर्लिन आती है, जहां पर उन्हें पता चलता है कि इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ विजर्ड्स ने ग्रिंडलवॉल्ड को सारे क्रिमिनल चार्जेस से बरी कर दिया है और अब वो सुप्रीम लीडर के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। बाय द वे, ये जादुई दुनिया का सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। डंबलडोर बर्लिन आते हैं, जहां पर वो क्रीडेंस को ढूंढ लेते हैं। क्रीडेंस और उनके बीच लड़ाई होती है, जहां डंबलडोर उसे बताते हैं कि ग्रिंडलवॉल्ड ने उसे झूठ कहा है। वो भी एक डंबलडोर है, पर वो उसका भाई नहीं है, बल्कि वो उसके भाई एबरफोर्थ का बेटा है। फिर डंबलडोर एबरफोर्थ से मिलते हैं और उसे क्रीडेंस की सारी सच्चाई बताते हैं। इसके बाद डंबलडोर ग्रिंडलवॉल्ड को एक्सपोज करने का प्लान बनाते हैं ताकि वो इलेक्शन ना जीत पाए। वो बंटी से 5 सेम सूटकेस बनवाते हैं ताकि ग्रिंडलवॉल्ड और उसके फॉलोअर्स कंफ्यूज हो जाएं कि असली सूटकेस कौन सा है, जिसमें किलिन का बच्चा है, क्योंकि ग्रिंडलवॉल्ड को उस जुड़वा किलिन के बारे में पता चल गया था और उसे पता था कि डंबलडोर उस किलिन को इलेक्शन में लेकर जरूर आएंगे। डंबलडोर की टीम प्लान के अकॉर्डिंग भूटान पहुंचती है, जहां पर इलेक्शन चल रहा था, और ग्रिंडलवॉल्ड के साथ ही डंबलडोर की टीम पर अटैक करती है और असली सूटकेस ढूंढने की कोशिश करती है। वहां ग्रिंडलवॉल्ड उसी किलिन का यूज करता है जिसे उसने मार दिया था। वो उस मरी हुई किलिन को जादू से मैनिपुलेट करता है ताकि वो उसे नया सुप्रीम लीडर चुन ले, और ऐसा ही होता भी है। इलेक्शन जीतते ही ग्रिंडलवॉल्ड मगलियों के खिलाफ जंग का ऐलान करता है और फिर वो जेकब पर क्रूशियाटस कर्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन न्यूट क्रीडेंस की मदद से ग्रिंडलवॉल्ड को झूठा साबित करता है और उस असली किलिन को सूटकेस से बाहर निकालता है। वो किलिन पहले डंबलडोर के सामने झुकता है, पर डंबलडोर से कहते हैं कि यहाँ पर एक और इंसान है जो इलेक्शन जीतने के काबिल है। फिर वो किलिन एक दूसरे कैंडिडेट को चुन लेती है। ये देखते ही ग्रिंडलवॉल्ड गुस्से में आ जाता है और वो क्रीडेंस पर किलिंग कर्स मारता है। तभी एल्बस और एबरफोर्थ क्रीडेंस को बचाने के लिए बचाव मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही ग्रिंडलवॉल्ड का मंत्र और एल्बस का मंत्र टकराता है, वो ब्लड पैक्ट टूट जाता है, क्योंकि ना तो डंबलडोर ने ना ही ग्रिंडलवॉल्ड ने एक दूसरे को मारने के लिए मंत्र मारा। ग्रिंडलवॉल्ड ने क्रीडेंस पर किलिंग कर्स मारा और डंबलडोर ने बचाव मंत्र का इस्तेमाल किया, इसलिए वो ब्लड पैक टूट गया।
इसके बाद डंबलडोर और ग्रिंडलवॉल्ड के बीच फाइट शुरू होती है, बट ये फाइट जल्दी ही एंड हो जाती है क्योंकि ग्रिंडलवॉल्ड वहां से भाग जाता है। एबरफोर्थ ऑरेलियस को एक्सेप्ट करते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं, और डंबलडोर न्यूट को मदद के लिए थैंक्स कहते हैं, जिस पर न्यूट उनसे कहता है कि अगर आगे भी उन्हें मदद की जरूरत पड़ेगी तब भी वो उनका साथ देगा। साल 1927 में डंबलडोर को हॉगवर्ट्स में एज अ ट्रांसफिगरेशन टीचर असाइन किया जाता है, और उसके बाद साल 1938 में डंबलडोर टॉम रिडल से मिलने के लिए लंदन के वुल्स ऑर्फनेज गए। उन्हें वहां की स्टाफ मिसेस कोल ने टॉम के बारे में सब कुछ बताया कि किस तरह टॉम उस ऑर्फनेज के बच्चों को परेशान करता है, और उन्होंने ये भी बताया कि एक बार जब सारे बच्चे ट्रिप पर गए थे तब टॉम कुछ बच्चों को एक गुफा में ले गया जहां से आने के बाद वो बच्चे काफी ज्यादा डरे हुए थे। टॉम के बारे में सब कुछ बताने के बाद मिसेस कोल टॉम को डंबलडोर से मिलवाती है। डंबलडोर को देखकर टॉम को लगा कि वो एक डॉक्टर है और वो उसे यहाँ से मेंटल असाइलम ले जाएंगे क्योंकि ऑर्फनेज के स्टाफ उसे पागल मानते थे, पर डंबलडोर उससे कहते हैं कि वो कोई डॉक्टर नहीं है, वो भी उसके जैसे ही है। और फिर डंबलडोर उसे हॉगवर्ट्स जादूगरी के स्कूल के बारे में बताते हैं, पर टॉम उन्हें साबित करने को कहता है। तभी डंबलडोर जादू करते हैं और अचानक टॉम की अलमारी में आग लग जाती है। डंबलडोर को टॉम की अलमारी में बाकी बच्चों से चुराई हुई चीजें मिलती है जो टॉम अक्सर बच्चों को परेशान करने के बाद उनसे चुरा लेता। डंबलडोर ने टॉम से उन सारी चीजों को लौटाने को कहा और ये भी कहा कि हॉगवर्ट्स में चोरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाती है। टॉम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ कि उसके पास पावर्स हैं, क्योंकि उसे पहले से लगता था कि वो कुछ खास है। टॉम डंबलडोर को ये भी बताता है कि वो सांपों से बात कर सकता है और ये सवाल करता है कि क्या वो उसके जैसों के लिए एक नॉर्मल बात है, जिस पर डंबलडोर उसे ना में जवाब देते हैं। फिर डंबलडोर टॉम को छूमंतर गली और प्लेटफॉर्म नंबर 10 के बारे में बताते हैं और उसे कुछ पैसे देते हैं ताकि वो स्कूल के यूनिफॉर्म और किताबें खरीद सके। इसके बाद टॉम छूमंतर गली गया और उसने कुछ सेकेंड हैंड किताबें, यूनिफॉर्म और एक जादुई छड़ी खरीदी। इसके बाद टॉम हॉगवर्ट्स आया और वो नाक शक्ति में चुन लिया गया, जो ऑब्वियस था क्योंकि टॉम नाक शक्ति का वारिस था। टॉम स्टडीज में भी काफी अच्छा था और अनाथ होने के कारण उसे स्कूल स्टाफ से हमदर्दी भी मिलती थी। टॉम ने अपने चार्म से सारे टीचर्स का दिल जीत लिया। सिर्फ डंबलडोर ही इकलौते टीचर थे जिसे टॉम ने कभी भी इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सिर्फ डंबलडोर ही थे जो उसकी पूरी सच्चाई जानते थे। साल 1943 में टॉम ने उस रहस्यमय तहखाने को खोला और काल दृष्टि को आजाद किया और हॉगवर्ट्स में कई बच्चे घायल हुए। काल दृष्टि की आखिरी शिकार मायूस नीना यानी कि मार्टल वॉरेन थी, जिसकी मौत गर्ल्स बाथरूम में हुई थी जहां पर उसने काल दृष्टि की दो आंखें देखी थी। इस इंसिडेंट के बाद हॉगवर्ट्स के गवर्नर्स ने यह डिसाइड किया कि अब हॉगवर्ट्स बंद हो जाएगा, जिससे टॉम काफी डर गया क्योंकि उसे ये पता था कि अगर स्कूल बंद हो गया तो उसे ऑर्फनेज में लौटना पड़ेगा। डंबलडोर को ये शक था कि टॉम ने उस रहस्यमय तहखाने को खोला है, पर टॉम बड़ी चालाकी से सारा इल्जाम हैग्रिड पर डाल देता है और कहता है कि एरागॉग ही वही जीव है जिसने मायूस मीना की जान ली। ये साबित होने के बाद हैग्रिड को स्कूल से निकाल दिया जाता है, पर डंबलडोर को यकीन था कि हैग्रिड निर्दोष है, इसलिए वो हैग्रिड की मदद करते हैं और हेडमास्टर अर्मांडो को मना लेते हैं कि वो हैग्रिड को ग्राउंड कीपर के तौर पर रख ले। डंबलडोर कभी ये साबित नहीं कर पाते हैं कि वो तहखाना टॉम ने ही खोला था, पर वो टॉम पर नजर रखते हैं ताकि आगे टॉम उस तहखाने को दोबारा ना खोल पाए। यहाँ डंबलडोर जहाँ जादू सिखाने में बिजी थे, दूसरी तरफ ग्रिंडलवॉल्ड अपनी सेना बढ़ा रहा था। हालांकि ब्लड पैक्ट अब टूट चुका था, फिर भी डंबलडोर ग्रिंडलवॉल्ड का सामना नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ग्रिंडलवॉल्ड उन्हें ये ना बता दे कि जिस मंत्र की वजह से एरियाना की जान गई वो मंत्र डंबलडोर का ही था। पर 1945 में जब ग्रिंडलवॉल्ड अपनी ताकत के नशे में इतना चूर हो गया कि वो आए दिन लोगों पर अत्याचार करने लगा, तब डंबलडोर खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने ग्रिंडलवॉल्ड को ढूंढा और उसका सामना किया। इस लड़ाई को अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट ड्यूल माना जाता है, जहां पर डंबलडोर ने ग्रिंडलवॉल्ड को हरा दिया और उससे उस एल्डर छड़ी को भी जीत लिया, जो दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी है। फिर उन्होंने ग्रिंडलवॉल्ड को उसी के बनाए नॉर्मनगार्ड जेल में कैद कर दिया। ग्रिंडलवॉल्ड को हराने के लिए डंबलडोर को ऑर्डर ऑफ द मर्लिन फर्स्ट क्लास अवार्ड मिला और इसे पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया क्योंकि ग्लोबल विजिटिंग वॉर अब खत्म हो चुका था। इसके बाद डंबलडोर को मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक का पोजीशन भी ऑफर हुआ, पर हर बार उन्होंने उस ऑफर को रिजेक्ट किया क्योंकि पास्ट में ताकत की तलाश में उन्होंने अपनी बहन को खो दिया था।
1960s के अराउंड डार्क मैजिक एक्टिविटीज बढ़ने लगी और वोल्डेमॉर्ट अपनी सेना बढ़ाने लगा। हॉगवर्ट्स के गवर्नर्स ने ये डिसाइड किया कि आर्मांडो डिपेट के बाद अब हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर एल्बस डंबलडोर होंगे, क्योंकि इन हालातों में हॉगवर्ट्स को सिर्फ वो ही सेफ रख सकते हैं। डंबलडोर के हेडमास्टर बनने के बाद टॉम हॉगवर्ट्स आया और उसने डंबलडोर से ये अपील किया कि वो स्कूल में उसे गुप्त कलाओं से रक्षा का विषय पढ़ाने दे। पर डंबलडोर टॉम के इरादों के बारे में जानते थे, इसलिए वो उसे साफ मना कर देते हैं। इसलिए टॉम ने उस पोस्ट को श्राप दे दिया, जिसकी वजह से कोई भी प्रोफेसर उस पोस्ट पर एक साल से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। फिर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट अपनी सेना बढ़ाता गया और उसके फॉलोअर्स को डेथ ईटर्स यानी कि प्राण भक्षी बुलाया जाने लगा। साल 1970 में फर्स्ट विजार्डिंग वॉर शुरू हुई, जहां वोल्डेमॉर्ट को कई लोगों ने ज्वाइन किया और उसकी फौज में जायंट्स और वेयरवुल्व्स भी शामिल हुए। वोल्डेमॉर्ट से लड़ने के लिए डंबलडोर ने भी ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स नाम की एक फौज बनाई, जो वोल्डेमॉर्ट और उसके प्राण भक्षियों से लड़ते थे। फर्स्ट विजार्डिंग वॉर को शुरू होकर अब 10 साल बीत चुके थे, तभी एक भविष्यवाणी का जिक्र हुआ। हुआ ये था कि प्रोफेसर डंबलडोर को हॉगवर्ट्स में डिविनेशन टीचर की जरूरत थी, इसलिए वो हॉग्सहेड इन में सिबिल ट्रेलॉनी का इंटरव्यू ले रहे थे। शुरू में तो उन्हें ट्रेलॉनी एक फ्रॉड लगी, पर अचानक ही वो एक ट्रांस में चली गई और उन्होंने एक भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी ये थी कि वोल्डेमॉर्ट का सामना करने वाला आ रहा है, वो 7वें महीने के अंत में पैदा होगा और उसके माँ बाप ने 3 बार वोल्डेमॉर्ट का सामना किया है और वोल्डेमॉर्ट उसे अपने जैसा मार्क करेगा और उसके पास वो शक्ति होगी जिसकी जानकारी वोल्डेमॉर्ट के पास भी नहीं होगी और अंत में एक के हाथों दूसरे की मौत होगी। स्नेप ये भविष्यवाणी सुन लेता है और वो उसके बारे में जाकर वोल्डेमॉर्ट को बता देता है। ये भविष्यवाणी 2 बच्चों पर लागू होती थी, पहला हैरी पॉटर और दूसरा नेविल लॉन्गबॉटम। पर वोल्डेमॉर्ट हैरी को चुनता है क्योंकि हैरी भी उसकी तरह ही एक हाफ ब्लड था। पॉटर्स के डेथ के कुछ वक्त पहले ही डंबलडोर को ये पता चलता है कि जेम्स के पास वो इनविजिबिलिटी क्लोक है, जो मौत के तोहफों में से एक है। इसलिए वो उस क्लोक की जांच करने के लिए जेम्स से वो इनविजिबिलिटी क्लोक मांगते हैं। कुछ देर बाद स्नेप डंबलडोर से मिलने आता है और वो डंबलडोर को बताता है कि वोल्डेमॉर्ट को लगता है कि भविष्यवाणी में जिस बच्चे का जिक्र है वो हैरी है, इसलिए वोल्डेमॉर्ट हैरी को मारना चाहता है। स्नेप डंबलडोर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पॉटर्स को बचा ले। डंबलडोर पॉटर्स को बचाने के लिए मान जाते हैं, पर वो स्नेप से ये वादा लेते हैं कि अब से वो वोल्डेमॉर्ट के लिए नहीं बल्कि उनके लिए काम करेगा और वोल्डेमॉर्ट से जुड़ी सारी जानकारी उन्हें लाकर देगा। डंबलडोर पॉटर्स को फिडेलस चार्म का यूज करने को कहते हैं ताकि उनकी लोकेशन सबसे छिपी रहे और ये डिसाइड होता है कि सीरियस सीक्रेट कीपर होंगे। पर लास्ट मोमेंट पर पॉटर्स और सीरियस सीक्रेट कीपर पीटर पैटिग्रू को बना देते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि पीटर पैटिग्रू पर किसी का भी शक नहीं जाएगा। सबको यही लगेगा कि क्योंकि सीरियस जेम्स का बेस्ट फ्रेंड है, सीक्रेट कीपर सीरियस ही होगा, इसलिए सभी प्राण भक्षी सीरियस के पीछे आएंगे। डंबलडोर को भी इस लास्ट मिनट चेंज ऑफ प्लान के बारे में नहीं पता था और ये भी कोई नहीं जानता था कि पीटर पैटिग्रू वोल्डेमॉर्ट का प्राण भक्षी है। पीटर पॉटर्स की लोकेशन वोल्डेमॉर्ट को बता देता है और अपने दोस्तों को ही बेच देता है। फिर वोल्डेमॉर्ट गॉडरिक हॉलो आता है और वो निहत्ते जेम्स को मार देता है और फिर वो हैरी की तरफ आगे बढ़ता है। लिली हैरी को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है, जिसकी वजह से हैरी को वोल्डेमॉर्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल जाती है और जैसे ही वोल्डेमॉर्ट हैरी को मारता है वो खुद ही मर जाता है। जैसे ही डंबलडोर को पॉटर्स की मौत का पता चलता है, वो हैग्रिड को गॉडरिक हॉलो भेजते हैं ताकि वो हैरी को रेस्क्यू कर सके और उसके बाद वो हैरी को उसकी आखिरी ब्लड रिलेटिव पिटूनिया के घर छोड़ देते हैं ताकि प्रोटेक्शन चार्म सील हो जाए और वोल्डेमॉर्ट के अगेंस्ट हैरी की रक्षा करे। डंबलडोर पिटूनिया को एक लेटर में एक्सप्लेन करते हैं कि वो हैरी की रक्षा कर सकती है सिर्फ उसे अपने घर में पनाह देकर। दूसरी तरफ स्नेप लिली की मौत के बाद काफी टूट जाते हैं। तब डंबलडोर स्नेप को समझाते हैं कि उन्हें यकीन है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वापस आएगा और अगर वो सच में लिली से प्यार करता था तो उसे उसके बेटे को बचाने में मदद करनी चाहिए। स्नेप इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वो डंबलडोर से ये वादा लेते हैं कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। डंबलडोर स्नेप को हॉगवर्ट्स में पोशन मास्टर का जॉब देते हैं और साथ ही मंत्रालय में ये गवाही भी देते हैं कि स्नेप एक प्राण भक्षी था, पर वोल्डेमॉर्ट के मरने से पहले ही वो उनके लिए काम करने लगा, जिसकी वजह से स्नेप को कोई भी सजा नहीं मिलती है। पर कई प्राण भक्षियों को अस्कबान जेल की सजा मिलती है जो वोल्डेमॉर्ट के जाने के बाद भी उसे सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज और बार्टी क्राउच जूनियर। 11 साल का होने पर हैरी हॉगवर्ट्स आया और वो गरुड़ द्वार में चुन लिया गया। उसी साल डंबलडोर और निकोलस फ्लैमेल को ये शक हो जाता है कि वोल्डेमॉर्ट पारस पत्थर को चुराने की कोशिश करने वाला है, इसलिए डंबलडोर उस पत्थर को हॉगवर्ट्स में एक जादुई आईने में छिपा देते हैं। पर अंत में हैरी और क्विरल उस आईने तक पहुंच जाते हैं और पत्थर हैरी को मिल जाता है। हैरी को छूते ही क्विरल का शरीर जल जाता है और वोल्डेमॉर्ट हैरी को मारने में नाकामयाब रहता है।
डंबलडोर हैरी को बताते हैं कि क्विरल का शरीर इसलिए जल गया क्योंकि हैरी के अंदर लिली का सैक्रिफाइस जिंदा है। अगले पार्ट में जब हैरी काल दृष्टि के दांत से टॉम रिडल की डायरी नष्ट करता है, तब उस डायरी को देखकर डंबलडोर समझ जाते हैं कि वो डायरी एक होक्रक्स है, और अगर वोल्डेमॉर्ट ने इसे बिना प्रोटेक्शन में रखा है तो यकीनन उसने एक से ज्यादा होक्रक्स बनाया होगा। हैरी के तीसरे साल में उसे ये पता चलता है कि वो सीरियस नहीं बल्कि पीटर पैटिग्रू था जिसने उसके माँ बाप को धोखा दिया था। जब हैरी और उसके दोस्त ये बात डंबलडोर को बताते हैं, तब डंबलडोर उनकी बातों पर यकीन करते हैं और सीरियस को बचाने के लिए वो हरमाइनी को टाइम टर्नर यूज करने को कहते हैं। हैरी और हरमाइनी इस काम में कामयाब होते हैं और सीरियस बगबीक के साथ वहां से भाग जाते हैं। लेकिन अगले ही साल ट्राइविजर्ड टूर्नामेंट के दौरान वोल्डेमॉर्ट हैरी का खून इस्तेमाल करके अपनी बॉडी वापस पा लेता है और अब वोल्डेमॉर्ट हैरी को छू सकता था, पर फिर भी हैरी वोल्डेमॉर्ट से बच जाता है और वापस हॉगवर्ट्स आता है। हैरी डंबलडोर को वोल्डेमॉर्ट की वापसी के बारे में बताता है और बार्टी क्राउच जूनियर पकड़ा जाता है। पर सारे सबूत देखने के बाद भी जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज इस बात को नकारते हैं। डंबलडोर पहले से ही जानते थे कि हैरी एक होक्रक्स है क्योंकि हैरी वोल्डेमॉर्ट की तरह सांपों से बात कर सकता था, और वोल्डेमॉर्ट के लौटने के बाद अब वो हैरी से दूर रहने लगे क्योंकि वो जानते थे कि अगर वोल्डेमॉर्ट ने इस कनेक्शन का इस्तेमाल किया और हैरी के दिमाग में झांका तो वोल्डेमॉर्ट को उनके पूरे प्लान के बारे में पता चल सकता है। इसलिए वो स्नेप से हैरी को ऑक्युलमेंसी सिखाने को कहते हैं ताकि हैरी अपने दिमाग को ब्लॉक कर सके, पर हैरी ये नहीं सीख पाता है और फिर वोल्डेमॉर्ट इसी कनेक्शन का इस्तेमाल करके हैरी को दिखाता है कि सीरियस खतरे में है। पर वोल्डेमॉर्ट ये नहीं जानता था कि हैरी उसका होक्रक्स है। सीरियस को बचाने के लिए हैरी अपने दोस्तों के साथ मंत्रालय पहुंचता है जो कि एक ट्रैप था ताकि हैरी वो भविष्य कथन उठा सके। सारे प्राणबक्षी हैरी और उसके दोस्तों को पकड़ लेते हैं, पर स्नेप की वजह से फीनिक्स की फौज वहां पहुंचती है और इस लड़ाई में बेलेट्रिक्स सीरियस को मार देती है। हैरी बेलेट्रिक्स के पीछे भागता है तभी वहाँ वोल्डेमॉर्ट आता है और हैरी को बचाने डंबलडोर वहाँ पहुँचते हैं। डंबलडोर और वोल्डेमॉर्ट के बीच फाइट होती है, पर काफी कोशिश करने के बावजूद वोल्डेमॉर्ट डंबलडोर को नहीं हरा पाता है और उसे वहाँ से भागना पड़ता है। पर इससे पहले वोल्डेमॉर्ट वहाँ से भागता, मंत्रालय के लोग वोल्डेमॉर्ट को देख लेते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि वोल्डेमॉर्ट लौट चुका है। हॉगवर्ट्स आने के बाद डंबलडोर हैरी को ट्रिलोनी की पूरी भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं। साल 1996 की गर्मियों में डंबलडोर वोल्डेमॉर्ट का होक्रक्स ढूंढते हुए गॉन्ट्स के घर जाते हैं जहां वोल्डेमॉर्ट ने उस रिंग को छिपाया था। डंबलडोर को जब वो रिंग मिलता है तब वो एक मिनट के लिए भूल जाते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ने उस पर जादू किया होगा। उस रिंग में वो पुनर्जीवन पत्थर देखकर उन्हें लगता है कि वो अपनी फैमिली को वापस जिंदा कर सकते हैं, पर उन्हें ये समझ नहीं आया कि वो सिर्फ उनकी स्पिरिट्स को ही वापस ला पाएंगे, और इस चक्कर में वो उस रिंग को पहन लेते हैं जिसकी वजह से उनके हाथ में श्राप फैलने लग जाता है। डंबलडोर उस रिंग को नष्ट कर देते हैं और वो जल्दी से स्नेप के पास पहुंचते हैं जहां पर स्नेप उस श्राप को कुछ देर के लिए उनके हाथ में ही कैद कर देते हैं, पर वो डंबलडोर को बताते हैं कि ऐसे श्रापों को ज्यादा देर तक कैद नहीं किया जा सकता, ये वक्त के साथ धीरे धीरे फैलेगा और अब डंबलडोर के पास सिर्फ एक ही साल बचा है। तब डंबलडोर स्नेप से कहते हैं कि हम दोनों जानते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ने मुझे मारने की जिम्मेदारी ड्रेको को दी है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत तुम्हारे ही हाथों हो क्योंकि ड्रेको अभी बच्चा है और मैं नहीं चाहता कि ड्रेको की आत्मा टूट जाए। स्नेप शुरू में तो इस बात के लिए नहीं मानते, पर डंबलडोर के बार बार कन्विंस करने पर वो मान जाते हैं और फिर डंबलडोर स्नेप को बताते हैं कि एक वक्त आएगा जब वोल्डेमॉर्ट को अपने सांप नगीनी की चिंता होगी और वो उसे अपने प्रोटेक्शन में रखेगा। तब उसे हैरी को ये बताना होगा कि वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का एक टुकड़ा हैरी के अंदर है और वोल्डेमॉर्ट को मारने के लिए हैरी को मरना होगा, और अच्छा होगा कि अगर वोल्डेमॉर्ट खुद हैरी को मारे। अब क्योंकि डंबलडोर के पास सिर्फ एक ही साल था, वो हैरी को होक्रक्स से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसे वोल्डेमॉर्ट से जुड़ी सारी यादें दिखाते हैं, और स्लगहॉर्न से जुड़ी याद देखने के बाद दोनों को ये पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट ने 6 होक्रक्स बनाने का प्लान किया था जिसमें से टॉम रिडल की डायरी और वो रिंग नष्ट हो चुकी है। डंबलडोर को ये पता चलता है कि टॉम ने जरूर एक होक्रक्स उस गुफा में छिपाया होगा जहां पर बचपन में उसने उन मगलू बच्चों को डराया था। डंबलडोर और हैरी उस गुफा के अंदर जाते हैं और वहां एक काढ़े के अंदर उन्हें वो होक्रक्स मिलता है। डंबलडोर के कहने पर हैरी उन्हें वो पूरा काढ़ा पिलाता है जिसे डंबलडोर को तकलीफ होने लग जाती है, पर आखिरकार वो काढ़ा खत्म होता है और उन्हें वो होक्रक्स मिल जाता है। पर जब डंबलडोर को प्यास लगने लग जाती है तब हैरी उस आइलैंड का पानी लेने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर ढेर सारे इन्फ्राय आ जाते हैं जो हैरी को पानी के अंदर खींच लेते हैं, लेकिन तभी डंबलडोर हैरी को बचा लेते हैं और वो दोनों हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं। काढ़ा पीने की वजह से डंबलडोर अब काफी कमजोर हो गए थे और वो हैरी को स्नेप को बुलाने को कहते हैं, पर तभी ड्रेको सारे प्राण पक्षियों को स्कूल में बुला लेता है।
डंबलडोर हैरी को छिपा देते हैं और ड्रेको वहां पहुंच जाता है और वो डंबलडोर को निरस्त्र करता है। तभी वोल्डेमॉर्ट के प्राण बख्शी वहां पहुंचते हैं, जिसके बाद स्नेप भी वहां आता है और डंबलडोर स्नेप से प्लीज कहते हैं, जिसके बाद स्नेप डंबलडोर को मार देता है। डंबलडोर ने अपनी वसीयत बनवाई थी, जिसमें उन्होंने बीटल एंड द बार्ड की किताब हरमाइनी के नाम किया था, वो डिल्यूमिनेटर रॉन को दिया था, जिससे कहीं भी जाया जा सकता था, क्योंकि डंबलडोर जानते थे कि रॉन एक दिन भटक जाएगा, इसलिए वो उसके लिए डिल्यूमिनेटर छोड़ गए। और हैरी के लिए उन्होंने वो सुनहरी गेंद जो उसने अपने पहले क्विडिच मैच में जीता था और वो गरुड़ द्वार की तलवार छोड़ी थी। हालांकि तलवार उनकी नहीं थी, इसलिए उन्हें ये हैरी को देने का हक नहीं था, पर वो तलवार होक्रक्सेस को नष्ट कर सकती थी, इसलिए उन्होंने हैरी के नाम उस तलवार को किया, ताकि हैरी ये समझ जाए कि उसे उस तलवार की जरूरत पड़ेगी। ये सभी हैरी के लिए क्लूज थे, ताकि वो होक्रक्सेस को ढूंढकर उन्हें नष्ट कर पाए। मरने के बाद भी वो स्नेप को अपने पोर्ट्रेट के थ्रू इंस्ट्रक्शंस देते रहे और उनके कहने पर ही स्नेप ने हैरी तक वो तलवार पहुंचाया। जब वोल्डेमॉर्ट हैरी को मार देता है, तब उसके अंदर का जो होक्रक्स था वो नष्ट हो जाता है और हैरी लिम्बो में डंबलडोर से मिलता है, जहां पर डंबलडोर हैरी के सारे सवालों का जवाब देते हैं और वो हैरी से कहते हैं कि वो चाहे तो वापस लौट सकता है, क्योंकि वो मरा नहीं है। हैरी वापस लौटता है और वोल्डेमॉर्ट को मार डालता है और आखिरकार वोल्डेमॉर्ट का अंत हो जाता है। ये सच है कि वोल्डेमॉर्ट का अंत हैरी के हाथों हुआ था, पर इसका क्रेडिट काफी हद तक डंबलडोर को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने हर मुसीबत में हैरी का साथ दिया और वोल्डेमॉर्ट के होक्रक्सेस के बारे में पता लगाया और सही वक्त पर सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हैरी को दिया, जिसकी वजह से हैरी वोल्डेमॉर्ट को मार पाए। वो सचमुच एक बुद्धिमान और शक्तिशाली जादूगर थे। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में कई गलतियां की, पर आगे चलकर उन्होंने उसे सुधारा और वो एक बेहतर इंसान बने। वो एक ग्रेट लीडर, एक वफादार दोस्त और एक बहुत अच्छे मेंटोर थे। वो सचमुच एक लेजेंड थे। तो गाइस, ये थी डंबलडोर की पूरी कहानी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।